एक ट्रेंड जो ट्विटर के ऊपर अब चलने लगा है कि हैशटैग विवेक अग्निहोत्री पैसे निकाल, क्योंकि द कश्मीर फाइल के 200 करोड़ रुपए से ज्यादा इसने कमाई की है। और यहां पर जब ये मूवी रिलीज होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस मूवी की तारीफ भी की थी, टीम की तारीफ की थी कि बहुत अच्छी मूवी है। और यहां उसके बाद बहुत सारे जो कहें कि पॉलिटिशियन हैं या फिर जनता खुद है, इस मूवी को प्रमोट करने के लिए सामने आई थी। जब ये मूवी बन रही थी या फिर बन के तैयार थी, इस मूवी के प्रमोशन की बात थी, तो कोई भी सो कॉल्ड बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस इसके प्रमोशन के लिए सामने नहीं आया था। विवेक अग्निहोत्री जी के खुद इंटरव्यू में उन्होंने कहा हुआ है कि वो बहुत सारे चैनल्स के पास गए थे, उन्होंने उनसे विनती भी की थी कि इस मूवी को प्रमोट कर दो, लेकिन किसी ने भी इस मूवी को प्रमोट करने का बेड़ा नहीं उठाया था। इवन दबाने की कोशिश की गई थी, स्टार्टिंग में स्क्रीनिंग कम रखी गई थी। तो यहां पर जब ये मूवी रिलीज होती है जिसके अंदर सच्चाई दिखाई जाती है, क्योंकि विवेक अग्निहोत्री जी ने कहा था कि इस मूवी को बनाने के लिए उनको 4 साल लगे थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो कश्मीरी पंडित हैं उनके इंटरव्यू लेना, उनसे बात करना, उनकी टेस्टिमनी यहां पर लेके आना, तो सारी चीजें जो है फैक्ट के ऊपर इस मूवी के अंदर दिखाई गई है। अब ये मूवी जब कामयाब होती है, क्योंकि इसके अंदर सच्चाई दिखाई जाती है, लोगों को पसंद आती है, लोगों को पता चलता है कि कश्मीर की सच्चाई क्या है, वहां पर एक्चुअल में क्या हुआ था, और इस मूवी को लोगों ने खुद प्रमोट करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो इस चीज को समझना होगा कि विवेक अग्निहोत्री जी ने किसी से चंदा नहीं मांगा था वहां पे कि भैया मुझे चंदा दे दो यहां पर, या फिर मुझे कुछ रुपए दे दो, मैं वहां पर जाके लोगों की मदद करूंगा। नहीं, उन्होंने एक सच्चाई दिखाने के लिए अपने रिस्क पर ये मूवी बनाई थी। इवन जब कहते भी हैं कि उन्होंने जब मूवी बनाई तो ऑलरेडी उनके खिलाफ फतवे जारी कर दिए गए थे मारने के लिए, हाई कोर्ट में इस मूवी के खिलाफ यहां पर रोकने के लिए याचिका दायर की गई थी, खैर बाद में उसे कैंसिल कर दिया गया था। तो यहां बहुत सारी प्रॉब्लम उनको झेलनी पड़ी थी। आप सोचकर देखो कि एक व्यक्ति जो इतना कुछ सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा है उसको कोई भी साथ नहीं दे रहा है, और आज जब मूवी कामयाब हो जाती है तो ट्विटर पर एक ट्रेंड चला दिया जाता है कि विवेक अग्निहोत्री पैसे निकाल। भाई काहे को निकाले, वो इंसान जिसने इतनी मेहनत करके, या फिर इस मूवी के जो मेकर्स हैं उन्होंने इतनी मेहनत करके, उनके अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी सच्चाई उन्होंने जनता के सामने रखी, और वो आज यहां पर ऐसे ट्रेंड का सामना कर रहे हैं। खैर इस ट्रेंड के ऊपर काफी सारे लोग जो हैं उनको जवाब भी दे रहे हैं कि भैया तुम जूते खाने वाली बात कर रहे हो, इस तरीके के जो ट्रेंड चला रहे हो, वो बॉलीवुड वाली मूवीज वहां कहां चली गई, जैसे कि गंगूबाई काठियावाड़ी जो मूवी आई थी जिसके अंदर आलिया भट्ट जो है मेन भूमिका के अंदर है, तो वहां पर जिस तरीके का घटिया प्रोपेगेंडा वो चलाते हैं, जिसमें वो एक लीगलाइज करने की बात करते हैं, तो वो जब मूवी 100 करोड़ रुपए जब कमा के जाती है तब तो इस तरीके का क्योंकि ट्रेंड वहां पर चलता नहीं है कि भैया पैसे निकाल। इतनी सारी बॉलीवुड मूवीज, घटिया घटिया मूवीज, प्रोपोगेंडा वाली मूवीज जब हिट होती हैं उनके ऊपर रुपया आता है तब तो कोई भी वहां पर पैसे निकालने वाली बात नहीं करता। एक सिंगल ऐसी मूवी आती है जो बॉलीवुड को यहां पर उसकी सच्चाई सामने लाके रख देती है, उसके मुंह पे एक तमाचा मारती है, एक्चुअल में उनके बारे में बताती है कि बॉलीवुड एक दोगली एक संस्था है जहां पर सिर्फ और सिर्फ ऐसी मूवीज बनाई जाएंगी जो भारत की संस्कृति को बर्बाद करेंगी, यहां पर कल्चर खराब करने के लिए, युवाओं को बिगाड़ने के लिए ऐसी मूवीज ये बनाएंगे। इन मूवीज के ऊपर कुछ भी कोई भी ट्रेंड नहीं चलता है, सिर्फ और सिर्फ ये एक ऐसी मूवी जिसमें सच्चाई दिखाई जाती है, कश्मीरी पंडितों को मारकर वहां से भगाकर, उन्हें कितनी संख्या में वहां पर उनको मारकर भगाकर अपने ही देश के अंदर वो रिफ्यूजी बन के रह जाते हैं, उस मूवी के लिए इस तरीके के ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं उन लोगों की फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है क्योंकि वो इस मूवी को कामयाब होने से रोक नहीं पाए, और जिस तरीके से इस मूवी ने रिकॉर्ड तोड़े हैं, हर एक मूवी इसके सामने ध्वस्त हुई है, चाहे वो राधे श्याम हो, चाहे वो ये अभी हाल फिलहाल में कौन सी बच्चन पांडे जो मूवी आई थी, ये जो तरीके की मूवी है इसके सामने चल भी नहीं पाई है, तो ये समझाता है कि यार इस मूवी को रोकना आसान नहीं है। इसमें फैक्ट के आधार पर हम बात नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही तरीका इस मूवी को बदनाम करने का, इस मूवी के मेकर्स को बदनाम करने का, भैया पैसे निकालने वाली बात करवा लो इनसे, क्या दो डोनेशन दे दो। अरे भैया ये तो उनके ऊपर डिसाइड करने दो ना, जिन्होंने इस मूवी को बनाया है, मेकर्स इस मूवी के ही डिसाइड करेंगे कि भैया जो उनके पास पैसा आया वो क्या करे। एक तरीके से देखा जाए तो हां, एक इनाम होना चाहिए इन मेकर्स को हमारी तरफ से, जनता की तरफ से, अगर आप ऐसी सच्चाई वाली मूवी दिखाएंगे तो लोग उस मूवी को पसंद करेंगे और यहां पर आपको प्रमोट किया जाएगा। अगर इस तरीके के ट्रेंड को अगर यहां पर प्रमोट करने की या फिर कोई भी इसका समर्थन कर रहा है तो उनको सोच लेना चाहिए कि आने वाले टाइम में इन मेकर्स पे क्या बीतेगी। वो इस तरीके के ट्रेंड देखते हैं, इस तरीके के घटिया घटिया ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं एक प्रोपोगेंडा के तहत ही चीजें हो रही हैं, तो ये चीजें आपको समझनी होगी। और कोई भी इंसान इस तरीके की बकवासपंथी में ना ही आए तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा। ये मेकर्स को डिसाइड करने दो, वो इन पैसों का क्या करेंगे, या आने वाले टाइम में कोई और मूवीज बनाएंगे। बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है इसी से कि भाई वो सच्चाई वाली मूवी यहां पर बनाए, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं वो यहां पर ऐसी मूवीज लेकर आए। तो ये मूवी के मेकर्स खुद डिसाइड करेंगे कि उन पैसों का उन्हें क्या करना है जो इस मूवी ने कमाए हैं, भले ही वो डोनेट करें तो डोनेट करें, मूवीज आगे कोई मूवी बनाना चाहे तो वो मूवी बनाए, अपने पास रखे तो अपना बनाए। भाई
कौन ये फालतू की एडवाइस देने के लिए बैठा है, लगता है कि यार एक तरीके से प्रोपोगेंडा के तहत ये चीजें हो रही है। तो इस चीज से समझ कर संभल कर आप लोगों को रहना चाहिए। तो खैर अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर रख देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।